बालोद में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसमें हर वर्ग के लोग जुड़े हैं और ऐतिहासिक यात्रा के रूप में पहचान बना रहे हैं। यात्रा का उद्देश्य देश को बांटने वालों के खिलाफ है। कांग्रेस के संदेश और मोदी सरकार के खिलाफ तैयार किए गए आरोप को कार्यकर्ता जन जन और घर घर तक बता रहे हैं। इस यात्रा के जरिए मोदी सरकार की खामियों और विफलताओं को भी जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। मोदी सरकार मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान जो है धर्म जाति की ओर भटका रहे हैं। भारत 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर भी यहां पर बात हुई। मोदी सरकार इस पर मौन है, देश कर्ज में डूब गया है। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि हम लोग हाथ से हाथ जोड़ यात्रा के माध्यम से केंद्र के मोदी सरकार की विफलता भी बता रहे हैं और साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के जो जन कल्याणकारी नीतियों का पंपलेट के माध्यम से, सभा के माध्यम से आम जनता तक विस्तृत प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जहां भी हम लोग यहां ये यात्रा कर रहे हैं, वहां आम जनता का उत्साह और जो लगाव दिख रहा है, इससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की पुनः सरकार बन रही है। ये हमारे देश के भविष्य पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का कहीं ना कहीं एक सोच, एक विचार था, जिसके कारण आप सबको मालूम होगा उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो पद यात्रा निकाला था। इसलिए निकाला था कि उनको मालूम था कहीं ना कहीं हमारे देश दिखाव की स्थिति में है, तो क्यों ना हम देश में हाथ से हाथ जोड़ कर उनका ये करें, करके उनको पद यात्रा निकाले।